आया अब माँ गरीब लोगों ना माइक माइक मैं मेरा माइक चालू करके बोलूं सुनाई दे रहा है आजा आगे आ जाइए सभी को सुनाई दे रहा है क्या अश्लील चली बो नहीं नारे देते वाले के हाथ तो बंद होकर उठना ही चाहिए तो मालूम पड़े कि कौन नारा दे रहा है कौन नहीं दे रहा है नहीं देना है तो नहीं दे दो ऐसे खड़े रहो लेकिन अगर नारा देना है तो मुट्ठी बंद करके आदिवासी एका बोल रहे अपना तुम भाई हाथ उठा के नारा दे आखिर माँ बहनों आया बाबा आखन है तो इतनी नियम गिरे आया बाबा गरीब लोगों ना हावे लोगों जिंदाबाद जिंदाबाद कौन कौन हिंदी समझ रहा है जरा हाथ पूछा करें आप समझते हैं बहुत बढ़िया तो फिर और एक नारा आज के समय देना जरूरी है जब आज गांव गांव के लोग कलांडी के और रायगढ़ के चल चल के आए हैं माँ बहने आई हैं और हमारे साथ ये जीत सुप्रीम कोर्ट से खींच के नीचे धरातल पर जाने वाले हमारे अधिवक्ता संजय भाई पारिक जी आए हैं हमारे साथी अशोक चौधरी जी आए हैं समाजवादी जन परिषद के लिंगराज भाई अफलातून भाई और तमाम साथी आए हैं भक्त चरण दास जी इस क्षेत्र के पहले रहे विधायक और आज के विधायक तिर्की जी दोनों यहाँ मौजूद है बोला गिर से लोग आदिवासी जनजाति मंच की आई है और हमारे साथ लोदो भाई है दोधी भाई है हमारे साथ प्रफुल्ल सामंतरा जी और लिंगराज आजाद जी इस संघर्ष के लिए लड़ने वाले और उनके तमाम साथी पद्मनाभ चौधरी जी और अन्य यहाँ उपस्थित हैं तो आज ये नारा हम बहुत खुशी से राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर नियम गिरी के बचाने जाने के संदर्भ में लगा रहे हैं कि हम और आप लड़े हैं जीते हैं लड़े हैं जीते हैं लड़े हैं जीते हैं जो हाथ नहीं उठाएगा उसको जीत मंजूर नहीं है लड़े हैं जीते हैं लड़े हैं जीते हैं लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे तो साथियों आप सबको एक बहुत दिल से सलाम करने के लिए हम सब लोग यहाँ आए जब मैं आई थी तभी हमको विश्वास लग रहा था वो सालों पहले की बात है पर हर साल आपका संघर्ष कहाँ जा रहा है इसकी खबर हमारे साथी प्रफुल्ल दास से हम लोग लेते रहे लिंगराज आजाद जी दिल्ली तक आकर बताते रहे और इसीलिए नियमगिरी का पहाड़ उसके ही ताकत के जैसा डोंगरिया कोंड और कोटिया कोंड का सीना है ये समझ कर हम लोग समझ गए थे कि आपकी लड़ाई जीते बिना नहीं लड़ेंगे हम ये भी मानते हैं कि आपका नियम राजा आपका नियम राजा आपका धाम राजा आपका ये नियम गिरी पर्वत और उससे निकलने वाली तमाम नदियां वो चाहे वंशधारा हो चाहे नागावली हो ये तमाम झरने 26 बड़े बड़े झरने भुवनीपट्टनम तो साथ गांव आते समय हमने देखा कि उस पर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने पर ये पूरी आपकी संपदा आपकी धरोहर आपकी जीविका आपके संघर्ष ने बचा के रखी है इसलिए हम आपको सलाम करते हैं क्योंकि आपने इस धरा
कोई भी राजनीतिक दल हो, नवीन पटनायक जी हो कि केंद्र की सरकार हो, आपने उनको हिला कर रखा, इसलिए भी आपको हम और हम लोग अभिनंदन करते हैं संजय पारिक जी का, जिन्होंने एक एक नदी की, एक एक पर्वत की, एक एक पहाड़ की, एक एक आदिवासी और किसान की लड़ाई लड़ी है और जीती भी है। वो चाहे गंगा भागीरथी की पीढ़ी की लड़ाई हो, जिससे गंगा और भागीरथी खतरे में डाल रही थी सरकार, पर वहां के लोगों के पुनर्वास की लड़ाई भी संघर्ष, कानूनी संघर्ष के द्वारा लड़ी वो संजय भाई पारिक जी आज हमारे बीच में। चाहे वो गोवा के लोगों की लड़ाई हो खनिज निकाल कर उनके गांव खत्म करने के खिलाफ, चाहे वो नर्मदा के एक एक बांध की लड़ाई हो ओंकारेश्वर महेश्वर, और अब जिसके सामने हम और हमारे सामने बांध खड़ा है वो सरदार सरोवर, उसकी भी लड़ाई संजय भाई ही लड़े हैं और लड़ रहे हैं। तो योगगिरी की लड़ाई में आपका संघर्ष मैदानी और संजय भाई का संघर्ष कानूनी, और तमाम जन आंदोलनों के और ईसा के और दुनिया के देश के साथ एका समर्थन, ये ऐसा एक एका और ऐसी एक ताकत आज के पर्यावरण दिवस पर जिसको हम सलाम करते हैं, वो सरकार और समाज के सामने खड़ी, और हमारी ताकत आज के पर्यावरण दिवस पर ये चेतावनी देश की तमाम सरकारों को और विशेष करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देना चाहते हैं कि आप किसान विरोधी तो साबित हो ही चुके हैं, पर आपके तमाम साथीगण आदिवासी विरोधी भी है, ये बात नियमगिरी का संघर्ष सिद्ध करे बिना नहीं रहेगा अगर आपने वेदांत को समर्थन दिया तो। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पर उनसे अच्छा जानते थे बिजू पटनायक जी। बिजू पटनायक जी को कुछ याद करने का समय आया है और नवीन पटनायक जी को यह कहने का समय आया है कि इसी ओडिशा की धरती पर गंधमार्दन की लड़ाई, बालियापाल की लड़ाई, काशीपुर की लड़ाई, आज भी चल रही लोर सुखदेव की लड़ाई, कौन सी लड़ाई नहीं लड़े हैं लोग, और आखिर में पॉस्को को भी ओडिशा के लोगों ने हटा के ही रखा है। तो नवीन पटनायक जी आपके लिए थोड़ा सा काम हमने छोड़ दिया है, बस इस वेदांत कंपनी को ये बताइए कि जबकि 19 ग्राम सभाओं ने ये जाहिर करके बताया है कि आदिवासी लोगिया कौन, आदिवासी कोठिया कौन, तमाम कौन के आदिवासी, जब ये चाहते हैं कि चल चल कर जमीन पर उनका ही हक है और रहेगा, तो आप मेक इन इंडिया के पीछे मत पड़िए। विदेशी कंपनियां स्टेरिलाइट नाम बदल कर वेदांत लेकर मत बुलाइए। अब अनिल अग्रवाल जी जैसे लैंड ग्रैबर भूमि हड़पने वालों का समर्थन मत दीजिए, और वेदांत एल्यूमिना प्लांट को भी हटाकर इस जमीन को शुद्ध और साफ कर देता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर लोग को करके रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ इस पहाड़ी आदिवासी ताकत ने एक प्रकार से अपने कवे में लेकर उसको बचाया है। आपने नियम राजा को आलिंगन दिया है और कहा है कि नियम राजा आपके धाम वाटिका में हम केवल नाचते नहीं है, हम ऊपर चढ़ते हैं तो हम आसमान को छूते हैं, और उस नियम राजा को और नियम गिरी को उसकी ताकत को और उसके साथ साथ रहते आए तमाम आदिवासी बहने और भाइयों को, आप सबको सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार के साथ मानना पड़ा है। ये बहुत बड़ी है। मैं आपको कहूं कि पिछले 31 साल से नर्मदा की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, बांध को आज तक हमने रोक के रखा, 214 किलोमीटर तक पानी भरने वाला, 244 गांव और एक नगर कोडवाने वाला नरेंद्र मोदी जी के अब कलम
ढाई लाख से ज्यादा आदिवासी किसान मजदूर मछुआरे जिनके चित्र आप यहाँ ये प्रदर्शनी लगी है आप देखे बिना मत जाइए घर। हमारी बहने भाई अभी भी लड़ रहे हैं लेकिन नर्मदा में भी ग्राम सभा का और ठहराव प्रस्ताव का जैसा और जितना सम्मान होना चाहिए सरकार ने और कोर्ट ने नहीं किया है। पर नियमगिरी के आपके लोगों की ये जीत है कि आपके ग्राम सभा का कहना लोकसभा और विधानसभा में बैठे हुए राजनेता और सरकारों को मानना पड़ा है। संजय भाई आपके इस समर्थन और कानूनी ताकत को हम लोग सलाम करते हैं। तो एक जोरदार नारा लगाएंगे संजय भाई आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज यहाँ से उठनी चाहिए। अरे इतनी हिंदी तो आती है टीवी तो देखते हैं इतना तो समझते हैं मुंह खोलना चाहिए। बहनों में भी थोड़ी पढ़े लिखे लड़की अभी यहाँ खड़ी है हेमवती जी यहाँ बैठी हुई है तो आवाज उठनी चाहिए। आज एक दिन खाना नहीं हुआ हमारा भी नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं पर आवाज होना चाहिए। इशारा देते हैं आग्रह के साथ कि हमें न्याय चाहिए अन्याय नहीं। आगे भी हम लोग अन्याय सहन नहीं करेंगे बराबर है। तो हम एक और नारा देते हैं न्याय चाहिए अन्याय नहीं। इन पुलिसों को भी हम अपना भाई मानते हैं ये भी कोई आदिवासियों के बच्चे हों इनको भी केवल गोली चलाना नहीं आता है इनको भी समझता है कि देश में क्या चल रहा है लेकिन वो गुलाम बन जाते हैं जबकि वो बड़े इसलिए जब ऐसा समय आता है आजादी आंदोलन में आया था ये भी आजादी आंदोलन है जैसे कि प्रफुल्ल भाई ने कहा जैसे कि अशोक भाई ने कहा। तो इस आजादी आंदोलन में अगर पुलिस भी बहने और भाई आदिवासियों के साथ होते हैं और सरकार को कहते हैं कि हम बंदूक नहीं चलाएंगे हम आपके साथ खड़े रहना है तो जाति का भाव लेकर खड़े रहेंगे लेकिन बंदूक नहीं चलाएंगे तो हम उनको भी कहेंगे कि आप भी नारा लगाइए लेकिन इतनी हिम्मत उनकी नहीं। जो हिम्मत दोनों ने दिखाई जो हिम्मत दोधी ने दिखाई जो हिम्मत चौधरी और लिंगराज आजाद ने दिखाई इन्होंने मार खाया मार खाया मार खाया लेकिन एक लफ्ज नहीं निकाला और जेल में गए। कितने बार मैं बताऊं वो भी कम पड़ जाएगा लेकिन पैसे को हाथ नहीं। तो वेदांत कंपनी के मालिकों हम तुम्हारे मजदूर नहीं है तुम हमारे जमीन पर आकर अतिक्रमण करना चाहते थे इसीलिए तुमने धीरे 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 अपने कदम फैलाए लेकिन वो गैर कानूनी था। ये कानून के सिपाही आपके पीछे सरकार ने दौड़े इनको बताया गया कि आप कानून की रक्षा करते हैं रिकॉर्ड है सरकार का। अब कोर्ट को आखिर ये मंजूर करनी पड़ी बात कि कानून का अवमान हो रहा है और वेदांत कंपनी कानून के खिलाफ काम कर रही है और जो भी पुलिस वेदांत के साथ देंगे वो भी कानून और संविधान के खिलाफ काम करेंगे। तो केवल आदिवासी है जो गांधी हो बाबा साहेब अम्बेडकर हो बिरसा मुंडा हो भीमा नायक हो टंट्या भील हो हमारे क्षेत्र के बिहार से लेकर ओडिशा तक के तमाम शहीद हुए आदिवासी राजा और नेताओं की ताकत लेकर इस देश में संविधान का सम्मान रख रहे हैं यही आपका बड़ा योगदान है। तो जैसे बाबा साहब ने कहा था कि देश का यह बड़ा कानून जो आजादी मिलने के बाद बनाया गया उसका अगर अमल नहीं होता है तो उसको जलाया जाना चाहिए और बाबा साहब अगर आज होते तो शायद खुद जला देते संविधान को। हम तो संविधान मानने वाले लोग हैं
करने वाले लोग हैं और इस देश का पानी, इस देश की दरिया, इस देश का पानी, इस देश की जमीन, इस देश की खेती, इस देश की जमीन के नीचे का भूजल और खनिज संपदा हो, पहली अंगी सब पूरा और इंद्र तक का भार हो, हम इस प्रकृति को बचाने वाले सच्चे पर्यावरणवादी आदिवासियों के साथ। जिनके अधिकार की बात संविधान में लिखी हुई है, विधायक महोदय तिर्की जी अभी वही बात करते रहे ना कि पांचवी अनुसूची में कहा है कि जहां दलित रहते हैं, जहां आदिवासी रहते हैं, एससी एसटी अधिक जानते हैं, पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जहां रहते हैं वहां विस्थापन नहीं करना है, वहां सुरक्षा देनी है, वहां हत्या नहीं होनी है, वहां आत्महत्या ही नहीं होने देनी है, भूख बड़ी नहीं होने चाहिए, वहां सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उनको वहां के तमाम जल जंगल जमीन और खनिज संपदा पर एक एक मछली पर भी, एक एक चरागाह पर भी अधिकार दें और उसके साथ जीने का अधिकार, उसके साथ जीविका का अधिकार मंसूख करें। शांति और सुव्यवस्था ये लिखा है पांचवी अनुसूची, और इसी के आधार पर आदिवासियों का कानून बना, वो भी जन संगठनों के संघर्ष से बना। आज गिरी शर्मा जी नहीं रहे, जो भी ओडिशा में कई बार आके गए हैं, लोग सत्यम में भी आके गए होंगे, लेकिन उनके हाथ से लिखा गया कानून जिसके हम गवाह हैं, आदिवासी स्वशासन कानून, ऐसा कानून, ऐसा कानून मतलब केवल पंचायत का कानून नहीं है, वो गांव सभाओं का कानून है, वो गांव के अधिकार का कानून है, और ऐसा कानून बनने के बाद तो पूरा अधिकार एक पत्थर हो कि एक छोटा सा झरना, उस पर गांव का अधिकार हो गया है, चाहे महुआ हो, चाहे आम हो, इस पेड़ का, उस पर भी गांव सभा का अधिकार बन गया है, और इसलिए उस कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को भी मंजूर करना पड़ा कि गांव सभा को पूछे बिना अगर यहां का खनिज एल्यूमिनियम हो कि और बॉक्साइट हो, अगर कोई कंपनी क्या, कोई मालिक क्या, कोई पूंजीपति क्या, कोई देश की या विदेश की कंपनी या सरकार क्या अगर निकाल ले तो वो चोरी होगी, चोरी उसके अलावा कुछ। संजय भाई जितना भी बॉक्साइट धीरे धीरे चुपचाप से इन्होंने निकाला है, उसके लिए भी क्या हम आईपीसी की धारा 379 के तहत गुनाह दाखिल करें, इस पर भी आप सोच, क्योंकि पुलिस सरकार पूरा पाशवी बल उनके साथ होता है, आखिर में निर्णय आता है कि जो उन्होंने किया वो गलत था, वो कानून के और संविधान के खिलाफ था, तो जो नुकसान हो गया उसके दोषी कौन, वेदांत कंपनी होश में आओ, तुमने नुकसान किया है जितना भी किया है और हम तुमको छोड़ने वाले नहीं है। तो एक जोरदार नारा लगाना जरूरी है, क्योंकि सुखराम जी, हम तमाम शहीदों की आत्मा आज यहाँ देखती होगी और वो ये चाहते होंगे कि आप सब, हम सब लोग उनकी शहादत को भूले नहीं, जिन जिन्होंने मार खाया है। मैंने फोटो देखे चौधरी जी के पास थे, उनके मारपीट को भी हम भूले नहीं, और आगे भी चलकर क्या होगा इन पुलिसों को पूछो, कितनी गोलियां हैं उनकी बंदूक में, वो कहां कब चलाएंगे दिन दहाड़े में कि रात में, वो किसको मारेंगे और किसको वेदांत के दलाल से मारेंगे। तो आज हम लोग पीछे की शहादत जो तमाम आदिवासियों ने दी है, तभी भी आदिवासी राजाओं ने अंग्रेज सरकार को हकार दिया, केवल गांधी जी ने नहीं, केवल भगत सिंह जी ने नहीं हकार दिया था, आदिवासी राजाओं ने भी तंत्या भीम ने हकार दिया था, भीमा नायक ने हकार दिया था, ओडिशा के मुख्य आदिवासी नेता कौन थे, इन तमाम नायकों ने, आदिवासी नायकों ने हकार दिया था, उसका पूरा इतिहास हमने पढ़ा है, हमारे दिल में और दिमाग में भरा हुआ है, और
देश से तमाम कंपनियों को वेदांत और उसके पीछे कोई आने की हिम्मत करेगा नहीं, लेकिन अगर करेगी तो उसको भी हटा कर रहेंगे। और इसीलिए भी हम लोग बार बार हर आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं, नर्मदा के किनारे के भी, महाराष्ट्र के 33 गांव के, अलीराजपुर के 26 गांव के आदिवासियों ने एक जमीन के टुकड़े का पैसा नहीं दिया। इसलिए 14,000 परिवारों को जमीन देने जमीन और 5 एकड़ हर एक बेटे को भी जमीन, पिता को भी जमीन देने थी। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं होता 30-30 साल के बाद, क्योंकि आज देश की सरकारें संविधान के खिलाफ कानून बना रही, जो कानून बने संघर्ष से उसको बदल रही है, जमीन लेने वाले कानून उनको लाने हैं, जो कानून 1894 का अंग्रेज सरकार का था उसको अपन ने चलाया, पांच चलाया, और फिर 2013 का कानून आया। उसे याद है कि मैं पॉस्को में आई थी, तब नवागांव में और एक एक गांव में लोग बंद कमरे में छुपकर, वो बहने जो पास लेती थी हर बार, वो ऐसी चुपचाप से देखती थी, क्योंकि इनाम लगाया था 10,000 रुपए का, मतलब सरकार को इनाम देना था लोगों ने, अगर मुझसे बात की, हम लोगों से बात की तो। लेकिन हम लोग घूमे गांव-गांव में, लोगों के देखा हमने, उन्होंने कहा आगे बढ़ो जान खतरे में है, लेकिन आखिर क्या हुआ, आखिर पॉस्को की जान खतरे में पड़ गई। और अभी तक सत्याग्रह से किसी माओवादी ने नहीं पॉस्को पूछा, और पॉस्को को ही निकल जाना पड़ा। तो हम देखते हैं कि बात कहां तक पहुंची है और फिर आगे संघर्ष क्यों करना पड़ता है। आज पॉस्को का प्लान गया, लेकिन पॉस्को के खदानों के खिलाफ भी लड़ाई जारी है, जैसे वेदांत के खदानों के खिलाफ। आज बोलांगीर के लोगों ने जहां किशन पटनायक जी को मैं दिल से याद करती हूँ, हम उनके साथ गए थे, हम काशीपुर में उनके साथ गए थे, आज देव रंजन सारण जी को एक मीडिया का हस्त्र हाथ में लेने के बाद भी लड़ना पड़ता है, और लोअर बोलांगीर में भी लड़ाई जारी है। तो गुमती माझी जी, आपका नियमगिरी का संघर्ष का नेतृत्व, आपके नेतृत्व में ये जो जीत हासिल की है, वो जितनी भी आगे चलने वाली लड़ाई है उनके लिए प्रेरणा का प्रमुख स्रोत वैसा ही स्रोत रहेगी जैसे नदियों के लिए नियमगिरी एक स्रोत होता है। तो आपके संघर्ष को सही में नियमगिरी संघर्ष यही नाम सही है। आप नियमगिरी के पक्ष में बोलिए, नियमगिरी संघर्ष छोड़िए और उसको आगे ले जाने की तैयारी रखिए। साथियों, हम जानते हैं कि जब ग्राम सभा की बात उठती आई इस देश में, तब ग्राम सभाओं में भी हरा दिया राजनेता है, लेकिन यहाँ भक्त चरण दास जी आज हाजिर है इस नियमगिरी संघर्ष में। जयराम रमेश जी ने जो मुद्दा मंजूर किया, समिति बनाई, और राहुल गांधी जी ने हिम्मत दिखाई, चिदंबरम जी दूसरी बाजू होते हुए भी हिम्मत दिखाई। भक्त चरण दास जी को इसलिए भी मैं मानती हूँ कि आज भी वो राहुल गांधी जी को पकड़कर उनको बार बार बता रहे हैं कि जन आंदोलनों के साथ आपको देनी पड़ेगी। तो उस समय राहुल गांधी जी भी आए, अच्छा हुआ। क्या मोदी जी नियमगिरी में आने की हिम्मत करेंगे? वो ओबामा को मिलने जाएंगे, वो आदिवासी को मिलने नहीं आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने वो कानून जो 2013 में आया, जो पिछली सरकार के होते हुए आंदोलनों के चलते हुए उनके भी दरवाजे में हम बार बार दस्तक देते थे, लेकिन बात होती थी पीछे सरकार बात करती थी, मोदी जी के उतनी वितानत नहीं, उनकी मन की बात नहीं, मनमानी की बात चल रही। अध्यादेश लाने की कोशिश की, हम देश के तमाम साथी 300 से 400 तक के संगठनों के संसद मार्ग पर एक जन संसद के रूप में आए। संसद में तो कितने 500 कितने 44 सदस्य होते होंगे, पर लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा और लोकसभा
लोकसभा से ऊंची जन संसद ये मानने वाले हम लोग जब इकट्ठे आए, प्रफुल्ल दा भी थे, लिंगराज भाई भी थे, लिंगराज आजाद जी भी थे, तमाम लोग अशोक भाई भी थे, तब जाकर ये बात निश्चित रूप से मोदी सरकार को ध्यान में आई कि जब नारे लग रहे हैं नरेंद्र मोदी किसान विरोध, तब वो नहीं नारा लगा सकते कि प्रफुल्ल स्वतंत्रता विकास विरोध, लिंगराज आजाद विकास विरोध, ये नहीं नारा लग सकता है। जब देश के किसान कहते हैं कि हमारी भूमि हमारे हाथ में रहना यही विकास है, हमारे भूमि पर आदिवासी के सीख कर जैविक खेती करना यही विकास है, हमारी भूमि पर पर्यटन को नहीं देना ये विकास है, हमारे नदियों को बचाना, नहीं तो फिर बड़े बड़े बांध बनाए महाराष्ट्र में आधे बांध बने देश के बड़े बड़े, लेकिन सूखा आज सबक सिखा रहा है कि छोटे बांध बनाओ, गांव का पानी गांव में समाओ, नदियों को जीवित रखो, मरने न दो, पहाड़ को जिंदा रखो, ताकि नदियां उत्तर से हमारे गांव में बहती आए। तो जब ये नारा लगा मोदी सरकार के सामने, जब पोस्टों के लोग नवीन पटनायक के सामने खड़े हुए, उन्होंने सही तो चर्चा के लिए अंदर बुलाया था, मानना पड़ेगा, लेकिन अपने कार्यकर्ता भी 20 दिन के उपवास के बाद चर्चा नहीं करे, कहे लड़ाई जारी रहेगी और आखिर पॉस्को के खिलाफ की लड़ाई नवीन पटनायक जी ने नहीं पर वहां के किसानों ने आदिवासियों ने जीत ली। तो साथियों, सरकार फिर से जो नया कानून ला रही है, जिसको इन्होंने अभी राज्यपाल जमीन जी उन्होंने प्रणब मुखर्जी जी को राष्ट्रपति को भेजा है, उसका हम धिक्कार करते हैं। शब्द अभी हमको पढ़ना बाकी है, पर बहुत सारे संगठनों ने उसके बारे में लिंगराज भाई आवाज उठाई है ना, क्योंकि उसमें फिर से वो जो दिल्ली में अध्यादेश ला रहे थे, कानून बदलने जा रहे थे आदिवासी के खिलाफ, वही बात फिर राज्य राज्य के कानूनों में आ रही है, गुजरात में आ गई है, राजस्थान में आ गई है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में कुछ आदेश आ गए हैं कि जमीन लो, चरागाह की भी लो, खेती की लो, नाले झरने की लो, पानी लो, झरने का लो, छोटी नदी करो, बड़ी नदी करो, और बस महानदी हो कि छोटा सा झरना, बंशीधारा हो कि नागावली, सब पानी कंपनी को दे। तो ये जो नए कानून आ रहे हैं वो कानून खतरनाक है साथियों, इसलिए संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, हम जीत मनाएंगे, हम जश्न मनाएंगे, पर आगे का देखकर हम लोग एक मीटिंग में भी आखिर तक डटते हैं ना, लोग जो लड़ने वाले हैं वो यहाँ डटे हैं, तो संघर्ष में भी आखिर तक डटना पड़ेगा, छोड़कर भागना संभव नहीं है, ना हम नर्मदा से भागेंगे, अगर इस साल पानी भरा और लाखों लोगों की घर बार दुकान शराब दवाखाना बाजार मंदिर मस्जिद टुकड़ना चाह तो हम वहां पानी से टकराएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे कि नहीं, रहेंगे कि नहीं, तो आप भी जब तक वेदांत को हटाकर इस भूमि को नियम राजा की पवित्र भूमि ऊपर की भी और नीचे की भी नहीं बनाते, तब तक हम सब आपके साथ रहेंगे। आपने बहुत काम किया है, ग्राम सभा का दर्जा ऊंचा किया है, हमारा नारा तो हमने बहुत बार लगाया, लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा, बोलो लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा, मेरा हाथ देखिए जरा, ऐसा ऐसा मत पूछो है कि ऊंची के नीचे, ऐसा नहीं, लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा, लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा, ये बात आपने करके दिखाई है, और क्योंकि आपने ये सवाल संजय भाई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ा, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारा समर्थन मिला, उसकी खबर यहाँ जो होता है इन आम के पेड़ों के बीच इस छाया में इस धरती पर, उसकी खबर दिल्ली के आसमान में बैठे हुए लोगों को भी पहुंचती है। तो यहाँ राजेंद्र सच्चर साहब आके गए, यहाँ एडी वर्धन जी आके गए,
यहाँ कौन नहीं आके गया? बहुत सारे लोग आके गए जिनको भी हम लोग सलाम करते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं रहे, कुछ आज भी हमारे आंदोलनों के साथ है, जैसे सच्चर साहब जिन्होंने मुस्लिमों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश और आज की चर्चा देख रहे हैं, और आदिवासियों के साथ देने वाले को सभी जन आंदोलनों के साथ उन्होंने आपके साथ दी। तो और कुछ कहने के बदले मैं इतना ही कहूंगी कि हम आज पर्यावरण दिवस के अच्छे सुनहरे मौके पर पर्यावरण यानी ओजोन नहीं, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर चर्चा करने की बात नहीं, वो बुंदेलखंड में सूखे की चर्चा करने की बात है, वो महाराष्ट्र के लातूर में पानी क्यों नहीं है जब इतने जलाशय थे कि भूकंप आया था पानी भरने से, अब सूखा क्यों है? ये बात पर्यावरण की बात है, ये सवाल हमको पूछ रहे हैं, और इन संसाधनों को जीने के साधन को बचाना, क्योंकि हम बिजली पी नहीं सकते, हम एल्यूमिनियम बॉक्साइट खा नहीं सकते, हम पैसा खाकर जी नहीं सकते, पैसा तो 2 लाख क्या 20 लाख रुपए देने की कोशिश करने की, लेकिन हार गए, आपके सामने हार गए। आपने समझा कि पैसे की कीमत तो अगर वजन करे और चांदी के भी भाव से दे दे तो 2 रुपए निकलेगी, जबकि इस धरती की कीमत अमूल्य है और वो कीमत वेदांत कभी नहीं चुका सकता है। वेदांत को महाराष्ट्र ने भी हराया है, रत्नागिरी जिले से स्टेरी लाइट को हटाया है, क्योंकि कोई के हमारे मछुआरों ने भी तमिलनाडु से हटाया था, दुर्दैव से वहां वो वापस आकर अभी भी प्रदूषण जारी रख रहा है। तो बहुत सारी अगर वेदांत को करने देंगे तो वो पूरा पानी और हवा भी प्रदूषित करे बिना नहीं रहने वाले, वो अपने चमड़ी के रोग देने बिना कुछ नहीं देने वाले हैं। दे रहा है, और इसीलिए जो शिक्षा का उनका अगर चल रहा होगा तो उसको भी रोकना चाहिए, नहीं तो फिर हमको संजय भाई के पास पहुंचकर संजय भाई को फिर कोर्ट में जाकर कहना होगा कि आपके आदेश की अवमानना हो रही है, आपको वेदांत को फिर भेजने के सिवाय और कहीं नहीं मिल सकते। तो साथियों, वेदांत की यूनिवर्सिटी भी आ रही थी, हम सब पूरी में डटे थे, जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर सबको प्रवेश नहीं, वही केस भी लड़ते, लेकिन वहां हम गए केस भी, और यूनिवर्सिटी के उस मंच पर तमाम राजनीतिक दलों के लोग आए थे। आज तो यहाँ 2 ही राजनीतिक दल, एक रत्नचरण दास जी का और एक अफलातून जी का, 2 दिख रहे हैं और एक निर्दलीय विधायक है, और हम तमाम विरोधी दल के नेताओं को ये कहना चाहेंगे कि आपकी भूमिका स्पष्ट करो, नहीं तो अगले चुनाव में हमारे गांव में पांव रखने नहीं देंगे, जो पैसे और सीपीआई सीपीएम के दलों ने भी पॉस्को के संघर्ष में कुछ साथ दी। अभय साहू जी के नेतृत्व में पॉस्को का संघर्ष हुआ, यहाँ भी एवी वर्धन जी आ गए थे और क्यों नहीं थे, सीपीएम के भी कोई नेता आके गए। तो अच्छा है कि जो जो लोगों ने भूमि अधिग्रहण के बारे में संघर्ष को देखा है, अपने सामने देखा है, अपने साथ देखा है, वो सब आज भूमि अधिकार आंदोलन जो बड़ा आंदोलन बन गया है उसका हिस्सा बन गए हैं। तो आज से आगे उनको भी जहां भी चुनाव लड़ना है, चाहे बंगाल में हो, चाहे केरल में, चाहे उड़ीसा में, तो लोगों के जल जंगल जमीन के अधिकार को मानने के सिवाय लड़ना संभव नहीं है। वो जो राजनीतिक दल जानते हैं उन्होंने नियमगिरी संघर्ष की सुरक्षा की साथ देनी चाहिए, और इसीलिए मैं कहकर मैं योजना साहब के गीत की सुनाने वाली हूँ कि जो गीत हमको बहुत प्रेरणा देता है, मैं पूरा गीत नहीं गाऊंगी पर ये उड़िया भाषा ज्यादा है इस गीत में, इसीलिए वो गाना पड़ेगा, और लिंगराज भाई को मैं साथ ले लूंगी क्योंकि वो नाचते हैं इस गीत में, हमने उनको फिल्म में देखा है, आपने देखा है। तो हमारी चीनी बहन यहाँ बैठी थी पर वो तो चली गई खाना खाने के लिए, पर लिंगराज भाई भूखे प्यासे हमारे साथ बैठे, संजय भाई भूखे प्यासे यहाँ है, तो बिना पैसे के कोर्ट में भी भूखे प्यासे रहते, कोर्ट में पानी पीने की मंजूरी नहीं है, हमको कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। संजय भाई और हम सामने खड़े होते हैं तो कोर्ट अपमान करता है, लेकिन संजय भाई इनका सम्मान कोर्ट के अपमान से कितना बड़ा और ऊंचा है,
ये बात आपको देखने मिली है और वो सम्मान आपका सही सम्मान है। कोर्ट से क्या अपेक्षा है? और अपना दिमाग जमीर साहब को भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, वो अच्छी तरह से मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे एक पुरस्कार मुंबई में देने का काम किया था। तो जमीर साहब, जमीर का मतलब क्या? जमीर का मतलब विवेक। हम जमीन और जमीर दोनों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आप भी आपके जमीर को टकोलिए और प्रणब मुखर्जी को न भेजिए गलत भूमि अधिग्रहण कानून। आप आदिवासियों के साथ हो जाइए, 5वीं अनुसूची हो कि ऐसा कानून हो, उसके अमल की सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी राष्ट्रपति के ऊपर नहीं है। राज्यपाल को पहला अधिकार और पहली सत्ता दी हुई है। तो हम लोग एक बार पूर्व के राज्यपाल के घर पर कॉस्को की लड़ाई लेकर गए, अगर जमीर भाई ने माना तो ठीक है, नहीं तो आप सब लोगों को, शायद हमको भी यहाँ पर जमीर जी के राज्यपाल महोदय के राजभवन के जमीन पर भी कभी जाकर पहुंचना पड़ेगा। तैयारी है? तैयारी है? तो ये भी है, क्योंकि एक नियमगिरी की लड़ाई, एक बोलंगिर की लड़ाई। संजय भाई ने कहा कि उनको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने काम दिया कि भूख से लोग मर गए कलहंडी में। उस समय मैंने अभी भक्त चरण दास जी को पूछा कितने दसों, तो उनको काम दिया 3 जिलों का, कोरापुट, कलहंडी और बोलांगिर का पूरा अंदाज लेकर, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या वंचन है, देखने का। संजय भाई आज भी वो अधिकार रखते हैं, वो कभी भी कोला कलहंडी के या बोलांगिर के या कोरापुट के या अन्य जिलों के भी ना, 8 जिले, उसके किसी भी गांव में जाकर चुपचाप पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं कि वेदांत क्या कर रहा है और कोई कंपनी क्या कर रही है। एल्यूमिना प्लांट दूसरा तो अभी बंद पड़ा हुआ है, पहले प्लांट के अंदर अंदर चुपचाप चुपचाप क्या चल रहा है, क्या लोगों को पानी मिल रहा है। अभी सूखा आया तो मोदी जी की बीमा की योजना तो आसमान की योजना है भाई, 11 कंपनियों को करोड़ों की लूट करवाने की योजना है। उसमें ऐसा लिखा है कि फसल आई कि नहीं, दाना अंदर है कि नहीं, ये ऊपर से देखने वाली कंपनियां गुगल गुगल करेंगी। तो क्या उनको देखना संभव है कि अंदर दाना है कि नहीं है? हम कहते हैं ग्राम सभा को काम करना है। ग्राम सभा कहेगी कि मेरे गांव में सूखा पड़ा है, 50% फसल पिछले साल बरसात नहीं आई, इसलिए ओडिशा जैसे भरपूर पानी और जमीन के क्षेत्र में भी सूखा पड़ा है तो भरपाई देनी होगी। तो ग्राम सभा को आप अधिकार मिल गया है, वो नियम गिरी और नियम राजा ने अधिकार दिया है, मैं मानती हूँ केवल कोर्ट ने नहीं दिया है। तो फिर इस अधिकार के तहत हर समस्या को हम संजय भाई के द्वारा भी और अपनी आवाज उठाकर भी दिल्ली के तख्त तक ले जाए बिना मैंने कहेंगे। और ठीक हमारे हमारा होगा है, हम हमारा हक मानते नहीं किसी से भीख मांगते। जोरदार, जो भीख न मांगने वाले हैं वो आवाज उठाओ, भीख मांगने वाले ऐसे खड़े हो जैसे पुलिस खड़े।